गवर्नमेंट से नो अवार्ड नो बड़ी सी एस गवर्नमेंट आदमी के रिच पीपल चाहिए रिच पर्सन चाहिए वी आर नॉट रिच वी हैव नो मनी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तमिलनाडु का जो एनआर टेराकोटा का पूरा, अब थोड़ा देखने वाले को विजुअल क्लियरिटी होगा ये है क्या। अब से अंदर का दिखा वो बुल्लो कार्ट में ऐसे ही बैल को यूज करके लोग पहले उससे काम लिया करते थे। हम खड़े हैं यहाँ पे, मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं आप म्यूजियम टेक्सटाइल ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसमें हम लोग जाने वाले हैं, पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे साथ आज सुहेल भी है, सुहेल ये हमारे मित्र हैं मास्टर डिजाइन के, तो इन सब का परिचय नहीं हुआ था आज इनसे भी मिल लीजिए। जैसा बाहर का व्यू है और जो लोकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ के आसपास ये है, तो आप मेट्रो से अगर आप आते हो तो लाइक आप आ सकते हो वहाँ से ऑटो मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी में और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी चीज़ें आज हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट भी है, तो कुछ आर्टिस्ट हैं वहाँ, उनसे भी बात करेंगे हम और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये तो गैलरी के बाहर का पूरा एरिया है, लेकिन अंदर गैलरी में काफ़ी चीज़ें मेटालिक वुडन संगमरमर ये सब पूरा काफ़ी कुछ है। और फिलहाल ये सारे स्टॉल लगे हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के और जो क्राफ्ट है वो जिन लोगों को प्रोजेक्ट पे काम करना है आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो आके यहाँ विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, वैसे 20 रुपीज़ चार्जेस हैं। कैमरा के लिए परमिशन चाहिए होता है, हमारे पास प्रोजेक्ट का ये था रेफरेंस था तो कैमरा बाहर अलाउड है, गैलरी में अलाउड नहीं है। फीवर क्राफ्ट फीवर ये बेसिकली टेक्सटाइल है पूरा, ये बेसिकली हमारे फैशन वाले के लिए आसाम हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल आर्टिशियन, ये आसाम का ये क्राफ्ट है। हम लोग ना सुहेल अपने प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो आर्टिस्ट है मध्य प्रदेश के टेराकोटा के लिए। कई प्रकार की मिट्टी होती है हर जगह जगह होती है, उसको हम लोग खेतों से ले आते हैं जी। काली मिट्टी, अच्छा काली मिट्टी ही स्पेशली यूज किया जाता है, खेतों से ले आते फिर उसको जो सुखाते हैं, सुखाने के बाद में फिर उसको गलाते हैं, गलाने के बाद में फिर उसको छनाते हैं, छनाने के बाद जब वो छन जाता है घोल करके छनाते हैं तो उसके बाद हम छोड़ देते हैं उसको छनाने के बाद, फिर वो कड़ा हो जाता है तो फिर उसको मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, इकट्ठा करके फिर उसको चाकू रख के बनाते हैं, हाथ से भी बनाते हैं, तो ये होता है उसमें थोड़ा बहुत बुरादा मिलाते हैं। बुरादा किस चीज़ का? लकड़ी, अच्छा लकड़ी का, उसके हार्डनेस के लिए है ना। हाँ, या फिर जो कंडे को कूट कर मिलाते हैं उसका बोस कंडे का। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ जो अभी हम लोग हैं एक सीनरी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जो अलग अलग स्टेट है उसके जो पुराने जो हट वगैरह है झोपड़ी वो कैसे हुआ करते थे उसका पूरा एक बसा हुआ है गाँव ही, तो वो बेसिकली आप लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लग रहा है जैसे वापस गाँव में पहुँच गए। ये जो व्यू है ना पूरा हट का इतना अमेजिंग है, लग रहा है जैसे हम लोग कितने साल पुराने पास्ट में चले गए हैं ना। यहाँ पर डिफरेंट जैसे ये जो है ये गोंडा मध्य प्रदेश का ही है ना, और अलग अलग स्टेट का, वो सामने पश्चिम बंगाल का है वहाँ पे हाथ का है वो राउंड वाला जो देख रहे हो, और इसके अलावा ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा कोर्ट यार्ड है ये पूरा, और वैसे ही वो कहाँ
नागालैंड, ये जो आप देख रहे हैं ये नागालैंड का है ये पूरा। तो ये जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का हट है, देखिए गाइस ये बड़ा ही खूबसूरत एक और मुल्लोक काट है। ये राजस्थानी बेसिकली आप लिखा हुआ है देव नारायण का देवरा राजस्थान, खूबसूरत चीज़ सब है यार, मतलब अमेजिंग। ये भी मुल्लोक काट ही है, मतलब देख सकते हैं आप पहले ज़माने के लोग कितने क्रिएटिव हुआ करते थे। और जो बाकी जो झोपड़ी है वो तो है ही। ये जो है ये बैलगाड़ी है तरह का, ये मुल्लोक काट। और ये क्या है, ये रथ है क्या ये? ये कुछ रथ वट टाइप का है पहले ज़माने का। बैलगाड़ियाँ हैं ये सारी, मतलब ये बेसिकली पहले जो है बैल का यूज़ करते थे लोग और सामान को ढोने के लिए और एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, विभिन्न अंचलों के ग्रामीण भारत के विभिन्न अंचलों में बैलगाड़ी आज भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। तमिलनाडु, फ्रॉम तमिलनाडु, या एग्जैक्टली दैट इज रिटन देयर। आगे बड़ा आइटम है ना मंदिर, ओके ओके, अय्यनार मंदिर। ड्यूरिंग 1990 हम लोग 10 आदमी 4 महीने वी स्टे हियर बाय तमिलनाडु के लिए से वी प्रिपेयर द टेंपल। आफ्टर दैट ओके आई पार्टिसिपेट विद माय मास्टर विदाउट माय मास्टर। हैव यू गॉट एनी अवार्ड सर? ओके, हैव यू गॉट एनी अवार्ड फॉर दिस art? Government say no award, nobody okay. sees. Government army ke rich people chahiye, rich person chahiye. We are not rich, we have no money, so they want. No, that is the actually fact in India. 90 say abhi 32 years the temple world throughout the world level famous. After that we went to Greece, Korea, Taiwan, Japan, France, Malaysia, Myanmar, abhi also to present this terracotta. Terracotta. This is Tamil Nadu Ayyanar Terracotta. Okay. This is clay Ayyanar Terracotta. Ayyanar means main god in Tamil Nadu. Wo mandir mein Ayyanar hai. Ayyanar, every village people have one Ayyanar temple. Okay. Every person. Every family. Yes. Wow, amazing. So uncle is saying like that government is not taking it seriously. Tamil Nadu government is nobody sees. Sir, he is very old now. He is walking by bamboo stick. Okay. Near 80 years old. So the government should recognize this art because they are doing very hard work for this kind of work. From and, 6 o'clock. This is the real Bharat. This is the real Bharat and art of India, which depicts the India on a global map. As you said that you have visited so many places in the different country, and you because of terracotta you represent all over the world. Clay terracotta from Tamil Nadu. From Tamil Nadu. Ayyanar terracotta. Yeah, exactly. It is called Ayyanar terracotta. West Bengal say Bangura horse. Bangura but horse. Tamil Nadu say Ayyanar horse. Okay. In Ayyanar temple, horses, elephants, statues, so many these statues. Are, these are the product, like yes, materials, elephants. Ayyanar main god, riding by elephant. Dusra Dwarapalakar, Karuppar, Muni, dusra item, security like security, yeah, riding I, by horse. As I can say, there is also another product like robo. Yeah, there, Madhya Pradesh wala. I am talking about this, what I am right to see this. You see bottle, yeah, only this is the by water clay, bottle, only yeah. by clay. Pure clay. This is Dulsi Diya, Dulsi Diya only by clay. And what is the cost of this? This Dulsi Diya 50 rupees ki milega. Wo bottle 300 rupees ki milega.
दिस बॉटल कॉस्ट इज 300। हाँ हाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ लगी मैंने गेट पे। जी जी, आईएनआर का ही बना हुआ मंदिर। अच्छा अच्छा, हाँ मूर्ति। यू सी दिस इज स्कूल बॉय, दिस इज 700 750 800 already 3 many. People are interested or not in your art? No, Nandi demand in this place. Nandi na angry. Nandi, Nandi item is in demand, but others. You come and see. Yeah. This is peaceful Shiva ka Nandi. Okay, this product is in a very demand in India. Yeah, very demand. Yeah. That Nandi, angry Nandi, fighting Nandi. Okay. That is flow pottery say very demand for this size Nandi. I hand over many items. And what is the cost of that Nandi? 2500 1500. Okay. That Nandi 5000. That okay, Nandi 5000. The bigger with one. With heavy decoration, fighting size. Plus 6000 car I sold here. Oh, amazing! Koda, all the what product you have made? 5000 car booking dono. Already is this is yeah 25000 each. Yeah. One. Oh, this is the price of this particular is 22,000. Available for the sale, right? Okay. So thank you so much, uncle. Profile M Anjali. 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 Anjali actually. Yeah. Anjali. Anjali. Wait. The way he is finishing, you can see like you see, it's amazing. You put this in your hand. This is my profile. So uncle gave me this profile. Ramela, this is the detail of. Dangaya is my name. Yeah. Here, okay. No, Anjali, Sangar, Ganesan. I came from the North India. My pronunciation and that is something different. And you came from the all over. You all over the world. So that is a 2010 itself. Obama came either. Okay, okay. I talked with him 23 minutes all over the world TV me aage. I am very happy that I met you and I by got opportunity language, to conversation with you. So thank you so by much. This language. Yeah, yeah. 1968 only 10th class. By service, I talk with you. Properly. Yeah, exactly. No, I am able to understand what are you. What I trying to convey, I am completely understanding you. There is no any issue. 68 से कितना साल अभी? सही बात है. अब हिंदी थोड़ा सीख लीजिए. थोड़ा हिंदी. हमको थोड़ा हिंदी ज़्यादा नहीं. उन्होंने पूरा भवन यहाँ पे डाला हुआ है. और ये जो है. किसी महाराजा का मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नवाब और राघनपुर के महल से प्राप्त लकड़ी का नक्शिका झरोखा उत्तरी गुजरात 18वीं सदी समझ रहे हो. अब पुराना है यार भाई. अभी हम लोग जा रहे हैं लोकन आदिवासी थी फोक एंड ट्राइबल आर्ट में. गाइस बेसिकली ये वाला जो गैलरी है इसमें पूरा जो मेटल्स के हैं वुडन से कर्नाटका के ये पूरे क्राफ्ट हैं अलग अलग स्टेट के. तो काफ़ी बढ़िया है. यहाँ पे आप लोग आ सकते हो मतलब देखने के लिए. अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पे. काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप क्राफ्ट लवर हो अलग अलग स्टेट के चाहे वो कोड से रिलेटेड हो या फिर मेटल्स से हो जिस किसी भी चीज़ से आपको इंटरेस्टेड है. काफ़ी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब है ना. अमेजिंग व्यू. अमेजिंग दिस इज ऑल मेड बाय प्योर वुड. इट्स अमेजिंग यार. कमाल का तरीके. सुहेल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया ना. कमाल की कलाकारी है यार सच में. Amazing.
एंट्री एंट्रेंस ऑफ द टेक्सटाइल गैलरी, और यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है ये टेक्सटाइल ऑफ इंडिया का। गुजरात स्टेट्स का पूरा एम्ब्रॉयडरी है, इसके लिए वहाँ पे गरबा वरबा होता है, तो ये सारा एम्ब्रॉयडरी वहाँ पे चलता है। ये पूरा डिटेल इसका मेंशन है, और वहाँ पे वो साफा पगड़ी ये सब मैंडेटरी है गुजरात के ड्रेस में, यानी गरबा में। और कुछ ये मेरे को लगता है कि जो चिकन करी है उसका कुछ सैम्पल्स है यहाँ पे शीशा में डिस्प्ले किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। अरे पेंटेड टेक्सटाइल है सबको, और पेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को। और यहाँ भी ये सारे जो है ये डाइंग है, रेजिस्ट डाइंग डाइंग वाले हैं। और ये जो सेक्शन है बेसिकली ये ब्लॉक प्रिंट वाला है, तो टेक्निक सारे वही हैं जो पुराने ट्रेडिशनल हैं, बस उन्हीं में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ये कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। इन्हीं ब्लॉक्स को यूज़ करके ये सारा टेक्सटाइल जो है पूरा प्रिपेयर किया गया है, प्रिंटिंग एंड ऑल। और ये जो सेक्शन है पूरा ये जरदोजी बेसिकली जो हैंडवर्क होता है प्योर है ना, ये कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कारचोप भी है, तो बेसिकली इसको कारचोप पे पहले लगा करके फ्रेम करके फिर उस पर हैंडवर्क किया जाता है हाथ से, पूरा प्योर हैंडवर्क है ना। ये सारे पूरे प्योर हैंडवर्क के काम है जरदोजी के। और ये कुछ ड्रेसेस हैं पुराने ज़माने के राजा महाराजा के टाइम के, दैट इज़ अमेजिंग यार। और ये टोडा एम्ब्रॉयडरी है जो कि तमिलनाडु का नीलगिरी हिल्स की टोटो है ना कम्युनिटी का, अमेजिंग भी है अमेजिंग। और ये बंजारा एम्ब्रॉयडरी काफ़ी कुछ है गैलरी में यहाँ पे देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट। ये पूरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुहेल थोड़ा सा इसको मूव करो ना, ये आप इसको ना पूरा मूव करके इधर से उधर, मतलब बहुत बढ़िया है ये, इधर उधर हो जाता है दोनों तरफ देख सकते हो इसको। ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया लगा मेरे को है ना। और ये जो सारे हैं वो क्या हैं, फुलकरी हैं बेसिकली, जो पंजाब स्टेट का जो माना जाता है, यहाँ पे इसका डिटेलिंग है फुलकरी। ये सारा फुलकरी आर्ट है जो कि पंजाब स्टेट का मेन स्टिचेस माना जाता है, डान उसके बाद जो स्टिच होता है वो, फिर और भी। वो जिन लोगों को टेक्सटाइल के बारे में जानना हो वो इस गैलरी में आ सकते हैं। और दिस इज अ हैंडलूम जो पूरा है, ये बेसिकली दिक्कत की टेक्निक होता है एक टेक्सटाइल प्रिपेयर करने का, तो ये अलग अलग स्टेट में से तेलंगाना उसका है पूरा ये डिस्प्ले। और ये जो है गुजरात का एक कथ है, गुजरात का एक कथ महात्मा गांधी जी का जो चरखा था उसका पूरा एक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। अमेजिंग यार अमेजिंग। खादी नेचुरल डाइज है, मतलब जो आप फैब्रिक पे डाइज करते हैं यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, वो पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। Look at this frame guides. Wow, amazing. Can you believe that? This is made by the prisoners. Wow. गाइज ये सारी जो पेंटिंग्स है ये बेसिकली प्रिजनर्स तिहाड़ जेल के जितने प्रिजनर्स हैं उन्होंने बनाया है, कह
Can you believe that? Look at this. What a masterpiece. So this is the basically art exhibition of Tihar. यहाँ पे एक रंग सूत्रा का कंटेम्परेरी आर्ट एग्जीबिशन भी आज लगा है यहाँ पे, थोड़ा चल के उसको भी देखते हैं। सुहेल काफ़ी बिजी है, जो भी पिक्चर लिया इसने उसको क्लिक करने के लिए क्या देख रहे हैं चल रहा है। सभी मैदान के सामने इतने लंबे चौड़े रोड पे अकेले कोई नहीं है, पावर देख रहे हैं हम लोगों का। हम जहाँ जाते हैं वहाँ लाइट भी रेड लाइट हो जाता है, बाकी लोगों के लिए हमारे लिए तो ग्रीन ही रहता है। तो पीछे प्रगति मैदान और इधर है पुरानी किला, फिर कभी घूमने जाएंगे। कमेंट्री करते करते हमारी ज़िंदगी जा सकती है। रुको भैया, गाड़ी वाले ने ठोक मत देना। इस तरीके से हम लोगों ने रोड क्रॉस कर लिया है सेफली, है ना? आप भी ऐसे ही करें। हाँ, और मोमो वगैरह जिसको खाना है वो आ सकते हैं यहाँ पे। लुक एट दिस, हम लोग का छोले कुलचे तैयार हो रहे हैं। बहुत लेट आएगा। तो अभी हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग। लोग अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। तो ये जो व्यू है सुप्रीम कोर्ट के जस्ट पीछे का व्यू है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेट्रो। लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का जो प्रतिमा है खूबसूरत सा, नहीं चल रहा है। सो लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग को जाना पड़ेगा भाई फुट। इस रोड पे ही है अपना कॉलेज। अच्छा, ये वो है आर्कियोलॉजी की बिल्डिंग। और हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और सुहेल का जो कॉलेज है पास में ही है इधर। कभी सुहेल कॉलेज घूमने जाना है ना? नहीं, वहाँ पे जाके चार साल बिताते हैं, फोर हो गए। नहीं, एग्जीबिशन लगेगा। हाँ, एग्जीबिशन में ज़रूर जाएंगे। हाँ, एग्जीबिशन लगेगा तो हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है, देखो ना खूबसूरत व्यू है यार। इस वाले मेट्रो में ना खूबसूरती यही है कि व्यू बड़ा खूबसूरत आता है यहाँ से, देखो।
इधर भी काफ़ी कुछ है, दिल्ली की ट्रैफिक। अभी हम लोग प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो एंड देन ये प्रगति। इतना मस्त व्यू है, मतलब रियल फील आ रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर है इसका, आर्किटेक्चर डिज़ाइन वालों को ना ऑब्जर्व करने की आदत होती है। क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने इसमें? थोड़ा सा एक पैटर्न नहीं दिख रहा है? रिपीटेशन वो चीज़ है, और ये जब ऐसे हो जाता है तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, जैसे है ना। तो आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही है, हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं और प्रोजेक्शन बनाना है। सीधा मेट्रो पकड़ेंगे, घर जाएंगे, कुछ आराम करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी करना। फिर मिलते रहेंगे आपसे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए बाय बाय।